डुमरियागंज में इस्लामिक आतंकवादियों का गतिविधि को संचालित करने वाले तौकीर राजा भी आ चुका है। डुमरियागंज में बरेली का जमील सिद्दकी भी आ चुका है और कह रहा है कि डुमरियागंज में कोई हिंदू चुनाव न जीतने पावे। जो 25 साल से चल रहा है वही चलना चाहिए। 25 साल से क्या चल रहा है डुमरियागंज में? समाजवादी नहीं चल रहा है डुमरियागंज में, अलैकुम सलाम चल रहा है। यही चलेगा क्या? जय श्री राम नहीं चलेगा? क्या चलेगा? जय श्री राम। 27 तारीख को क्या लगेगा? जय श्री राम। और लोग थोड़ा डर रहे हैं क्या? 27 तारीख को क्या होगा? जय श्री राम। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये हरामखोर जो आए हुए हैं ये कह रहे हैं राघवेंद्र नहीं जीतना चाहिए। दो चार हिंदुओं को और लड़ा दो, 10 तू लड़ा दो, 1000 वोट काटेंगे तो 10000 हिंदुओं का वोट काटेंगे। मुसलमान सिर्फ मुसलमान रहेगा। उदाहरण दे दिया गया है, कमाल ने सैयदा का समर्थन कर दिया। जब कमाल सैयदा का समर्थन कर सकते हैं तो हिंदू क्यों इकट्ठा नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी कुछ लोग फिर डर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना? कमाल सैयदा को सपा में रहते हुए समर्थन दे सकते हैं तो हिंदुओं को इकट्ठा होना